आम आदमी पार्टी हापुड़ कार्यकर्ताओं ने आपके प्रदेश अध्यक्ष अभाजीत सिंह का यह गढ़ रोड पर आयोजित सदस्यता अभियान समीक्षा बैठक में जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष अभाजीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वह पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। आप मुखिया केजरीवाल की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इसी से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के लोग भी दिल्ली सरकार के विकास मंडल वाली आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनवाने के लिए आतुर दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी हापुड़ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सोलंकी ने बताया कि 8 जुलाई से 8 अगस्त तक प्रदेश के हर विधानसभा से 25,000 सक्रिय सदस्य जोड़ने का लक्ष्य पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। इस संदर्भ में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि जिले की तीनों विधानसभाओं में लक्ष्य से कहीं अधिक लोगों के पार्टी जोड़ने की पूरी संभावना है। हापुड़ विधानसभा प्रभारी जोगेंद्र दास ने कहा कि क्षेत्र में लोगों के पार्टी से जुड़ने का सिलसिला अनवरत जारी है। उन्होंने सभा स्थल पर ही प्रदेश अध्यक्ष अभाजीत सिंह के हाथों पार्टी की टोपी पहनवा कर दर्जनों लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई है। आज आपका जनपद हापुड़ में आगमन हुआ, यूपी जोड़ो सदस्यता अभियान चल रहा, क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच एक महीने में यूपी जोड़ो अभियान के तहत 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का पार्टी ने निर्णय किया है। अब जिसको लेके उत्तर प्रदेश की सभी 400 विधानसभाओं में हमारा सदस्यता कैंप चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता सबकी जिम्मेदार है। हम सदस्य लोगों को सदस्य बनाने के साथ साथ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का जो विकास का माध्यम है, दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में महिलाओं को सरकारी फसल में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। जो किसानों की फसल नुकसान होने पर 50,000 दिल्ली सरकार पहुँचा देती है। अरविंद केजरीवाल सरकार के इस काम को हम लोग समझा रहे हैं, लोग बता रहे हैं और लोगों को आम आदमी पार्टी परिवार से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। 1 करोड़ का जो लक्ष्य है, 25,000 प्रति विधानसभा, सभी 403 विधानसभाओं में प्रति विधानसभा 25,000 सदस्य बने हैं। इसको ठीक ढंग से इस अभियान का संचालन हो, इसको लेकर सभी 403 विधानसभाओं में सदस्यता अभियान की प्राथमिकता बनाई गई है, जिम्मेदारी दी गई है और हम माननीय सांसद संजय सिंह जी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर लगा रहे हैं, साथियों से बातचीत कर रहे हैं। अब तक संगठन द्वारा जो सदस्यता अभियान चलाई है, केंद्र और प्रदेश सरकार इस समय जो चल रही है, इसमें जो है पत्रकारों का लगातार हनन हो रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है? आम आदमी पार्टी आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ समय पहले भारत समाचार पर, दैनिक भास्कर पर, इनके संस्थानों पर, इनकी रिपोर्टरों पर आईटी का छापा पड़ा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह हमला है। मोदी सरकार की इस निंदा करती है। अच्छा, आज आपकी पार्टी में लगातार पीछे से देख रहा हूँ पत्रकार नहीं आ रहे हैं, इसका क्या कारण मानते हैं कि आपकी पार्टियों का जो है हापुड़ के अंदर पत्रकारों द्वारा बहिष्कार किया हुआ? ये हम तो हम आज मीटिंग करने आए हैं, आप इसको जानकारी दे रहे हैं, साथियों से बातचीत करेंगे, बाकी साथी तो नहीं आए और हम निवेदन करेंगे कि लोगों को साथ सम्मान उनको बुलाएं और अपनी बात उनके लिए। कृषि कानून को लेकर क्या कहना? देश में कृषि कानून किसानों के हितों के खिलाफ है। इस कानून में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं है, जबकि मोदी जी की सरकार ने कहा था कि किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, किसानों के फसल की लागत का हम दोगुनी करेंगे। जब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलेगा तो उसकी आय दोगुनी कैसे होगी? ये इस कानून में दूसरी बात कही गई, असीमित भंडारण का अधिकार, असीमित भंडारण का अधिकार तो किसान। रोल टीका राम शर्मा शहर नगर अध्यक्ष टीका राम शर्मा मेरे भाई हमारे असू नगर उपाध्यक्ष। ये ऐसा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभाजीत जी आए हुए हैं, एक तो यूपी जोड़ो अभियान के तहत और दूसरी जो तीसरी लहर है इसके बारे में समझा रहे हैं। भाई ये जो दूसरे में जो सावधानी बढ़ती है और आने वाले बाकी जो दिल्ली वाली सुविधा है वो सब जो मैदानी को सरकार पूरे प्रयास कर रही है, लोग बोल रहे हैं और कई नए नारे भी आए हैं, उसमें सबका यही कहना है कि भाई ऐसा क्यों यूपी में केजरीवाल, लेकिन हम कहते हैं कि यूपी में केजरीवाल जो रखते हैं हर वर्ग का प्यार और लोगों को अपने आप
साहब भी हमने ये कह के सुना है कि यूपी में लाओ केजरीवाल तो सस्ती करा देंगे, लेकिन बहुत सी बात अब तो मेरा सब लोगों से यही कहना है कि तीसरी लहर से बचने के लिए जो दूसरी लहर में उपाय किए थे उनसे भी बढ़ गए ताकि इस कोरोना की मार से बच सके। पिछले वाली कोरोना की दूसरी लहर में बहुत भाई हो गए जिनका गम अब तक है जो सहानी का धीरे धीरे हमें लोगों से पता लगा। हमारा सब तो यही है कि इस वाले उससे बचें, तीसरी लहर से बहुत ज़्यादा जाओ एक होगा बचेंगे।